नमस्कार मेरे दोस्तों, एक और नए वीडियो पे। तो क्या आप ये जानते हो तब क्या हुआ था जब क्राकाटुआ का जो ज्वालामुखी है ना वो फटा था? और क्या आप मुझे ये बता सकते हो जो डिस्क ब्रेक होती है ना उसमें ये इस तरह के छेद क्यों बने होते हैं? और क्या आपने कभी ये सोचा है जो इंडियन नोट्स पे बने जो ये पिक्चर्स होती है वो कहाँ से ली गई है, या इन नोटों पे बनी जो जगह है वो कहाँ पे है? तो ऐसी कुछ अजब गजब फैक्ट जानने वाले हो आज के इस वीडियो पे कि आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते तो हो और पसंद भी करते हो, मुझे पता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हो। और अगर इस बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फैक्ट खोजी हिंदी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। फैक्ट नंबर 10, साइगा एंटीलोप नाम का जो इस जानवर को आप अपने स्किन में देख रहे हो ना, इनका नाक जो है वो बिल्कुल एसी की तरह काम करता है। आपको पता है अगर मौसम गर्म हो तो ये अपनी नाक की मदद से ना हवा को ठंडा करके शरीर के अंदर भेजता है, और अगर मौसम ठंडा हो तो ये हवा को गर्म करके अपने शरीर में भेजता है। कुदरत ने इनकी नाक को कुछ इस तरह से बनाया है कि ये ऐसा करने में पॉसिबल हो पाते हैं, और बस यही कारण है जिसके वजह से ये जानवर जो है ना किसी भी जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जो आज हम कोलंबिया पिक्चर्स के लोगों में जिस लेडी को देखते हैं ना उसके लिए 1992 में एक 28 साल की महिला जेनी जोसेफ ने मॉडलिंग की थी। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके पहले उन्होंने ना तो कोई मॉडलिंग की थी और ना ही उसके बाद किसी ने उनसे मॉडलिंग करवाया था। मतलब आप कह सकते हो जेनी जोसेफ ने एकमात्र कोलंबिया पिक्चर्स के लिए ऐसा मॉडलिंग किया था और वही उनका फर्स्ट और लास्ट मॉडलिंग था। मतलब गजब। नंबर 8, क्या आपको पता है एक नॉर्मल कंगारू का जो हाइट होता है वो 3 से 8 फीट तक का होता है, यानी कि 3 मीटर तक का हाइट होता है, राइट? बट आप जो अपनी स्क्रीन में इस इमेज को देख रहे हो ना, इसमें जो आप इस जानवर के बच्चे को देख पा रहे होंगे ये कंगारू के नवजात शिशु का फोटो है, और आप देख सकते हो ये कितना छोटा है, और इसका जो साइज है वो मात्र 2.5 सेंटीमीटर का होता है। मतलब एक कंगारू जो बड़ा होकर 8 फीट का होता है वो जन्म के समय सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का ही होता है, मतलब इतना छोटा होता है। नंबर 7, क्या आप ये जानते हो जब 1883 में क्राकाटुआ ज्वालामुखी फटा था ना, तब इस ज्वालामुखी के द्वारा विस्फोट की जो आवाज हुई थी वो इतनी तेज थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था, और इसने अपने 60 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों के कान के पर्दे ही फाड़ दिए थे। बाप रे। नंबर 6, आपको बता दूं स्पेन और फ्रांस के बीच में जो बिदासो रिवर है ना उसमें एक पीजेंट आइलैंड है, और ये एक मात्र ऐसा आइलैंड है जिस पर पता है ये जो दोनों देश है 6-6 महीने अपना शासन चलाते हैं। मतलब ये जो पीजेंट आइलैंड है इसमें 6 महीने तक स्पेन राज करता है और बाकी के 6 महीने फ्रांस राज करता है। ऑसम। फैक्ट नंबर 5, आपके स्क्रीन में जो इस गोलकीपर का फोटो आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि इस गोलकीपर का फोटो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो आपको बता दूं 1937 में एक फुटबॉल मैच के दौरान इतना कोहरा पड़ा था कि जिसके कारण जो है ना मैच को रद्द कर दिया गया था, मगर एक गोलकीपर बिना किसी जानकारी के 15 मिनट तक वहां खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि मैच अभी भी चल रहा है। मतलब वाओ। फैक्ट नंबर 4, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जो अपने आप में एक देश भी है, एक कंट्री भी है, और एक कॉन्टिनेंट भी है जिसे महाद्वीप कहा जाता है, और दुनिया में दूसरा ऐसा कोई देश नहीं है जिसका किसी पूरे महाद्वीप पर अधिकार हो, और कभी कभी इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपके स्क्रीन में जो इमेज आ रहा होगा इसे आपको देखकर लग रहा होगा ये बहुत ही नॉर्मल सा पीक है, राइट? आपको ऐसा लग रहा होगा इस पिक्चर में ऐसा क्या खास है, बट आपको बता दूं आप जिस इमेज को देख रहे हो ना इस इमेज को कैप्चर करने के पीछे का जब आप स्ट्रगल जानोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। तो आपको बता दूं गूगल के मुताबिक फोटोग्राफर एलन ने 6 साल बाद और 7,20,000 बार ट्राई करने के बाद इस शॉट को लेने में सक्सेस हो पाए हैं। मतलब आप सोच सकते हो 6 साल और 7,20,000 बार ट्राई करने के बाद वो इस शॉट को ले पाए हैं। मतलब गजब। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों डिस्क ब्रेक जो होते हैं उस पर ये छेद क्यों बने होते हैं? तो आपको बता दूं पहले के समय पर ना डिस्क ब्रेक पर कोई छेद नहीं हुआ करते थे, और जब भी वाहन रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता था तब ये प्लेट बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती थी जिसके कारण अगर कोई व्यक्ति इसे छूता तो उसका हाथ जल जाता था, और कई बार ज्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक काम भी नहीं कर पाते थे।
जिसके बाद पतले डिस्क ब्रेक बनाए गए, लेकिन ज्यादा समय तक ब्रेक का इस्तेमाल करने से ये पिघल कर गाड़ी से अलग हो जाते थे। इसके बाद इन ब्रेक पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि इनमें से हवा आर पार हो सके और ये गर्म भी ना हो और ब्रेक ज्यादा समय तक चल सके। तो यही एकमात्र रीजन है जिसके कारण जो डिस्क ब्रेक पर जो है ना छेद किए जाते हैं ताकि उसके अंदर से जो एयर है वो पास हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तभी आप मेरे साथ वीडियो पे बने हुए हो। अगर आप मेरे वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और हाँ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ये भी बताइए कि आपको सबसे ज्यादा नॉलेजेबल फैक्ट कौन सा लगा। और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड कर सकूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स को जान सको। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आपको पता है हमारे इंडिया के जो नोट होते हैं आपने देखा होगा सभी नोट्स पे लाइक 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए सभी नोटों पे एक अलग अलग तरह के पिक्चर्स बने होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो ये पिक्चर्स कहाँ की है, ये पिक्चर्स को ली कहाँ से गई है? तो मैं आपको बताता हूँ, जो 10 रुपए के नोट होते हैं ना उसमें जो पिक्चर्स है वो सूर्य मंदिर का पिक्चर है और जो 20 रुपए के नोट होते हैं उसमें जो बने फोटो को आप देखोगे वो जो फोटो है ना वो एलोरा की गुफाएं की फोटो है और जब आप 50 रुपए के नोट में जो फोटो देखोगे वो हम्पी का फोटो है और 100 रुपए में जो बना फोटो है ना वो रानी का वाव का फोटो है जो कि गुजरात में स्थित है और जो आप 200 के नोट पे जो आप फोटो देखते होंगे वो सांची का स्तूप का फोटो है और 500 रुपए के नोट में जो बना फोटो है ना वो तो आपको पता ही होगा वो हमारा लाल किला का फोटो है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।